नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी के एच एम। आज हम 12 अगस्त को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ राजस्थान जी के और करंट अफेयर की चर्चा करेंगे, जो 101 से 150 तक है जिनकी संख्या। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? दोस्तों आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपको भी पता चल सके। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना साथ साथ में। इसका ए ऑप्शन है 1.5 लाख, बी ऑप्शन 1 लाख, सी ऑप्शन 21,000 और डी ऑप्शन है 51,000। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, 51,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया है? आप बता सकते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा सही है आप देखकर बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, आसिंद में किया गया, भीलवाड़ा। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। चार ऑप्शन है दोस्तों, आप बता सकते हैं किसका सही क्या है। इसका सही उत्तर है बी, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? चार ऑप्शन, 2004-5, 1999-2000, सी ऑप्शन 2009-10 और डी ऑप्शन है 2011-12। चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है बी, 1999-2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर है बी, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य की विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्य पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन मेघालय, सी राजस्थान और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? 107 नंबर में इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन है निम्न में से किस जिले में किया गया है? 108 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है सी, अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वराज रोजगार योजना योग्य परिवारों को कार ऋण प्रदान करेगी, कितना ऋण प्रदान करेगी? 109 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, 50,000 का ऋण प्रदान करेगी। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश कालव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? दोस्तों आप बता सकते हैं, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मैं एक्यूरेट सही नहीं बता सकता। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? 112 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है बी, कपास के लिए हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल्स के लिए लागू हुआ है? 113 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है डी, BS6। 114 नंबर क्वेश्चन, भारत मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किस से है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता भी सकते हैं। इसका सही उत्तर है बी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, टाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? 117 नंबर, इसका सही उत्तर है ए, हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह इसका सही उत्तर है। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? 118 नंबर, फ्रेंड्स कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो या और किसी को पता हो आपके फ्रेंड्स को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि इसका सही उत्तर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? 119 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर है ए, अजयराज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 120 नंबर प्रश्न, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? इसमें दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बी गलत है, मारवाड़ी, सी गलत है और डी भी गलत है। इसका सही आंसर है हाड़ौती यानी टुढ़ाड़ी है, इसका सही उत्तर ए होगा। दोस्तों कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसका राजस्थान में किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव होता है? इसका सही उत्तर तो हाड़ौती है, तो इसका सही उत्तर मतलब ये तीन तो कट हो गए, तो इसका सही उत्तर होगा बचा हुआ ए, ढूंढाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए, दोस्तों इसको सही युग्मों को सम्मिलित करना है, आपको बताना है कि कौन सा नृत्य किसके साथ है, जेनेजा है, इंडोनी, तेरताली, वालर, तो ये आपको बताना है। 121 नंबर प्रश्न, तो आप मैं आपको बता देता हूँ, नेजा किससे संबंधित है? नेजा भील जाति से है, इंडोनी ये भी कालवेलिया का है, तेरताली ये कांबड़ जाति से, और वालर गिरासिया से। तो आप मिलान कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 122, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? इसका सही उत्तर है ए, सलेमाबाद में। 122 का सही उत्तर है ए, सलेमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? दोस्तों ये चार आभूषण दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पर पहने जाते हैं। 123, तो इसका सही उत्तर है ए, ये गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 124, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? दोस्तों आपको बताना है, कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं,
124 में आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा। चलिए 125, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रताप। प्रताप समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया है। 126, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर सी है, खेर। दोस्तों खेर के वृक्ष की लकड़ी को टुकड़ों को उबाल कर निकाला जाता है, और जो जमाया जाता है उसे रस को क्या कहते हैं, कत्था कहलाता है। इसके टुकड़ों से जमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति राजस्थान जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है, दूसरे स्थान पर है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं लेकिन कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको नहीं बता सकता। मीणा, भील, सहरिया और ग्रासिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं बिल्कुल। इसका सही उत्तर है ए, दूध। फ्रेंड्स मुझे जितने क्वेश्चन हमारी टीम को जितने सही सही क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दो चार क्वेश्चन ऐसे जो मैं आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो कंफ्यूजिंग के हैं। अगर आपको पता हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 129, सी से जस्ते का ऐसा कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा दे रखे, चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 129 में इसका सही उत्तर है सी, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं 130 में, इसका सही उत्तर आपको बताना है। अब अगर आपको सही से अंदाज़ा हो, सही से क्वेश्चन आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं 131 में, इसका सही उत्तर है बी, 10 अप्रैल 2013, इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सामने के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं दिया गया है। चार ऑप्शन है 132, इसका सही उत्तर है डी, उदयपुर। 133, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। तो इसका सही उत्तर है बी, खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है। 134, इसका सही उत्तर है बी, सागवान के। ये 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है। 135, राजस्थान के थार मरुस्थल में दवसवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बता सकते हैं 135 में, इसका सही हमारी टीम के हिसाब से दोस्तों बी है, इसका सही उत्तर रेखे या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। लेकिन ये कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, अगर आपको इसका सही सही पता चले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इसका सही उत्तर है हमारी टीम की तरफ से बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 136, 136, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। 136 में आपको बताना है।
फ्रेंड्स ये भी कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, इसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं, दोनों गलत है, तो इसका मतलब सी सही है, नहीं तो ए है और नहीं ही पी। अगर आपको सही बताओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, राजस्थान के किस ज़िले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? सही उत्तर है इसका ए कोटा। 137 का सही उत्तर है कोटा। 138, राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है, किस चीज़ का उत्पादक है वो आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या है। 138 इसका सही उत्तर है जेस्पर, सीसा, जस्त तथा होलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक देश, उत्पादक राज्य है। 138 इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर है बी 25 लाख से 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? चार ऑप्शन है 140, तो इसका सही उत्तर है ए संबल परियोजना। 141, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? 141, 75:25, इसका सही उत्तर है बी। 142, जयपुर का परंपरागत शिल्प है, चार ऑप्शन है 142 का, इसका सही उत्तर है सी ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है? 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो दोस्तों कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है 143, अगर आपको सही अंदाज़ा हो, सही पता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? 144 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है 1939, 1939 में स्थापित की गई थी। 145, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? 145, इसका सही उत्तर है सी 2008 में भामाशाह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आप देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। 146, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 146 में, चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं 148, तो इसका सही उत्तर है 1994, 148 में डी ऑप्शन 1994, 1949, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है दोस्तों हमारी टीम के अनुसार? तो डी ऑप्शन इसका सही है, राजस्थान कृषि सिंचाई कर दिया गया है, लेकिन आपको अगर इसका और सही एक्यूरेट क्वेश्चन उत्तर पता चले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं, इसका सही उत्तर है बी 1973-74। तो दोस्तों यह था राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न, जिस जो 101 से 150 तक थे, हमारी टीम की तरफ से बिल्कुल 100% दिया गया है। लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे तो कंफ्यूजिंग के हम नहीं बता सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर करना तथा इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आप
आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।